आई एम प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, PNK कॉलेज अछवा, पाली। टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फैक्टोरियल रिएक्शन फ्रॉम द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास। हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the time during which the concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration is called half life period and denoted by t half। आइए बताता है कि रासायनिक प्रक्रिया जो होती है फर्स्ट रिएक्शन के आरंभ होने के साथ ही, जितने समय में रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन प्रारंभिक कंसेंट्रेशन का आधा हो जाता है, उस समय को हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, जिसे हम टी हाफ से सूचित करते हैं। ये बताया गया इसमें, फिर जानें द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड एंड डिनोटेड बाय टी हाफ। इसका डेफिनेशन हुआ, मतलब ये हो गया कि जितना समय में प्रथम क्रम की प्रतिक्रिया का रिएक्टेंट का आधा भाग प्रथम क्रम नष्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, या जितना समय लगता है प्रारंभिक कंसेंट्रेशन को आधा होने में, वो जो है से टी हाफ हो गया या हाफ लाइफ पीरियड कहलाया। और देखिए इसमें फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन के लिए क्वेश्चन आता है रेट कांस्टेंट का, के इक्वल 2.303 बाय टी इनटू लॉग बेस 10 आर जीरो बाय आर। आर जो है इनिशियल कंसेंट्रेशन है, आर जो है वो आफ्टर टाइम टी सेकेंड कंसेंट्रेशन है, यहाँ और टी टाइम टेकन। देखिए इसमें ये क्वेश्चन वन ये हो गया, लोन हो गया। इफ टी इक्वल टी हाफ, यदि टी का मान टी हाफ हो जाए, देन आर इक्वल आर जीरो बाई टू। इस डिफरेंस के अनुसार यदि समय टी हाफ लेते हैं तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जो है इनिशियल का आधा हो जाएगा। इनिशियल कितना है? आर है, आर जीरो है, आर जीरो का आधा कितना हो गया? आर बाई टू। आर जीरो बाई टू ये मान कितना होगा? एक भाग होगा। आफ्टर टाइम टी सेकेंड ध्यान रहेगा, आफ्टर टी हाफ सेकेंड, टी हाफ टाइम, ये हो गया आर इक्वल आर जीरो बाई टू। एंड फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के इक्वल 2.303 बाई टी हाफ लॉग बेस 10 आर जीरो बाई आर जीरो बाई टू, और टी हाफ इक्वल कितना हो गया 2.303 बाई के इंटू लॉग बेस 10 टू, ये हो गया। इसका हल करेंगे और टी हाफ इक्वल 2.303 इंटू 0.3010 जो कि लॉग बेस 10 टू का वैल्यू है, यहाँ बता देंगे गुणनखंड पर आता है टी हाफ इक्वल 0.693 बाई के। क्वेश्चन टू जो है हाफ लाइफ पीरियड का व्यंजक है किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कहता है क्या? दस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन बताता है कि हर जीवन काल का मान जो है प्रतिकारक की प्रारंभिक मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सक्रियता पर निर्भर नहीं करता है, कंसेंट्रेशन से मुक्त रहता है हर जीवन काल का मान। ये हुआ। आगे देखिए, अब इसमें एक न्यूमेरिकल है, देखिए न्यूमेरिकल प्रूव दैट द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम्स देन द हाफ चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में टी समय लगता है, तो वह टाइम जो होगा उस प्रक्रिया के लिए आजीवन काल का 10 गुना होगा। नहीं, ये कहता है सवाल
ये प्रॉमिस में कर रहा है कि 99.9% इसमें कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो इसके अर्थ जीवन काल का 10 गुना होगा। ये हो गया इनकम है इसमें, आपसे जो टी हाफ मनी कमांड करना है लिया है दोस्तों। देखिए गिवन आर जीरो इक्वल 100%, क्वेश्चन जो है 99.9% प्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जो है यहाँ क्या हो गया, गिवन आर जीरो इक्वल 100% आर इक्वल 100 माइनस 99.9% फिर क्या हो गया 0.1%। ये 99.9% से घटा क्यों, क्योंकि आर का वैल्यू मतलब आफ्टर टाइम टी आर का वैल्यू जो होगा वो इनिशियल में से इस समय बाद का जो मान होगा उसमें निकाला जाएगा। तो तीस समय बाद चूंकि 99.9% प्लॉट में कन्वर्ट हो गया तो इस 100% में से मैंने जी आर जीरो में से आर घटाएंगे तो और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1%। तो ये हो गया आपका आर का मान जो होगा 100 माइनस 99.9% 0.1% हुआ। के इक्वल 2.33/T लॉग बेस 10 आर जीरो भैया दोनों जानते हैं। फोटो रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का मान है इसमें क्या करते हैं 2.33/T लॉग बेस 10 यहाँ आर जीरो का मान 100 है और आर का मान 0.1 है क्योंकि टाइम टी के बाद 0.1% ही बचता है रिएक्टेंट, बाकी सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और 2.303 लॉग बेस 10^3 ये कहाँ से आएगी, तो हम बताया कि आपको 100 में 0.1 का मतलब हुआ कि हम इसे 100 बैठा देंगे वाला खत्म हो जाएगा पॉइंट। तो 1000 हो गया कितना हो गया 10^3 हो गया, वही यहाँ पर 10^3 लिखा गया नहीं। और टी इक्वल कितना हो गया 2.33 × 3 लॉग बेस 10 इसको लॉग निकाले वैल्यू थी इतना आ जाएगा नहीं बाई के 2.33 × 3 × 1 बाई के या 3 तो ये है ही लॉग बेस 10 का वैल्यू 1 होता है यहाँ बिठा दिया गया 2.33 × 3 × 1 6.909 बाई के हो गया। तो टी का वैल्यू इतना हो गया नहीं, कितना टी बराबर हो गया 6.909 बाई के, देयरफॉर के इक्वल 6.909 बाई टी। क्वेश्चन 1 हो गया फ्रॉम इक्वेशन टी हाफ इक्वल होता है 0.693 बाई के, तो के का मान जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। क्वेश्चन 2 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 6.909 बाई टी इक्वल हो गया 0.693 बाई टी हाफ, इसमें कितना हो गया यहाँ जो टी का मान इतना हो गया ये मान निकालेंगे इसमें और यहाँ के का मान निकालेंगे कितना इतना हो जाएगा। अब क्या है अब टी को इधर ले गए इसको नीचे ले गए 6.909 बाई 0.693 इक्वल हो गया 10 बाई टी हाफ टी बाई टी हाफ, यहाँ 0.693 से कैसे भाग लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 110 इसका वैल्यू आएगा नहीं, ये अगर कटेगा तो अप्रोक्सीमेटली इसका मान कितना आएगा 10 आएगा। तो अब क्या हो गया 10 इक्वल टी बाई टी हाफ ये 40 के लिए 10 × TR मतलब 99.9% इसमें कंप्लीट होने में टी आपका 10 गुना टाइम लगता है। इससे क्वेश्चन 3 से स्पष्ट होता है वही दिया गया द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन और फर्स्ट रिएक्शन इज 10 टाइम्स देन टी हाफ ऑफ रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन विच आर बायोमोलिकुलर
but follows first order rate law are called pseudo first order reaction. ये कहते हैं क्या कि वह रिएक्शन, ये वे सारे रिएक्शन जो बायोमोलेक्युलर होते हैं परंतु फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होता है और मोलेक्युलरिटी टू होता है, तो हम कहते हैं कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कहते हैं क्या, वे सारे रिएक्शन जो बायोमोलेक्युलर होते हैं परंतु फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिटिल एसिड या और एनी एसिड डाइल्यूट एसिड इज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां देखिए CH3COOC2H5 इसको हम कहते हैं इथाइल एसीटेट, इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ एसिड के पेंस में, H प्लस जो एसिड उसको करता है, हाइड्रोलाइसिस हुआ तो बना क्या एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल रिएक्शन हो। इसमें जो बताया गया ये इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस हुआ वाटर द्वारा, एसिटिक एसिड बना और C2H5OH बना, ये रिएक्शन जो है इसको हम कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों कहेंगे जानने नीचे, ड्यू टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट अंडरगो कॉलिजन इन दिस रिएक्शन हेंस इट इज बायोमोलेक्युलर। कहते हैं क्या, इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर मार करके रिएक्शन को आरंभ करते हैं, इसीलिए इस ये क्या हो गया बायोमोलेक्युलर रिएक्शन हो गया। बट concentration of water will remain approximately constant। मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में वाटर का कंसेंट्रेशन जो है वो प्रभावित नहीं होता है, ये लगभग कॉन्स्टेंट रखता है, मतलब रिएक्शन में वाटर का कंजम्पशन ना के बराबर होता है। कॉन्स्टेंट मीन्स वाटर डू नॉट चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है इस रिएक्शन रेट को चेंज करने में भाग नहीं लेता है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज फर्स्ट रिएक्शन बट बायोमोलेक्युलर रिएक्शन, का मतलब हुआ कि ये रिएक्शन जो है ये है फर्स्ट रिएक्शन परंतु बायोमोलेक्युलर इसलिए है कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन भाग ले रहे हैं और रिएक्शन का रेट जो है वो सिर्फ इथाइल एसीटेट के कंसेंट्रेशन से प्रभावित हो रहा है न कि वाटर के कंसेंट्रेशन से, इसलिए जो है बायोमोलेक्युलर रिएक्शन है परंतु फर्स्ट रिएक्शन है क्योंकि रिएक्टेंट इसमें एक ही है जो रेट को प्रभावित कर रहा है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज फर्स्ट रिएक्शन बट बायोमोलेक्युलर रिएक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सूडो फर्स्ट रिएक्शन। तो ये सारी प्रक्रियाएं जिनका मोलेकुलरिटी दो होता है और ऑर्डर वन होता है उसे हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज इतना ही, आप लोग मेरा वीडियो देखें समझें और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे जो है जो भी वीडियो चाहते हैं जानना वो हर दिन का नया नया वीडियो आपको मिलता है। लेकिन ध्यान रखें, एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया है तब सब्सक्राइब नहीं करना है। धन्यवाद।